गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरी ऑडियंस फुटबॉल देखती है नहीं देखती है वो वीडियो के रिस्पॉन्स से ही पता चल जाएगा, लेकिन फुटबॉल की जगत से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि करीम बेंजिमा का ट्रांसफर ऑफिशियली हो चुका है। पिछले 4-5 दिनों से करीम बेंजिमा के ऊपर लगातार न्यूज निकल कर आ रही थी कि उनका ट्रांसफर हो सकता है नहीं हो सकता है। कहीं पर उन्होंने कंफर्म किया था कि मैं रियल मैड्रिड नहीं छोड़ने वाला हूं, लेकिन यहां पर अब ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है। करीम बेंजिमा का ऑफिशियल ट्रांसफर हो चुका है, एज अ फ्री ट्रांसफर वो गए हैं क्योंकि रियल मैड्रिड के साथ उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो चुका था। 14 साल बाद करीम बेंजिमा यहां पर रियल मैड्रिड को छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा लाइक ऑब्वियसली हार्ट टचिंग मूवमेंट तो है ही है, लेकिन अब यहां पर जो नया क्लब करीम बेंजिमा का होने वाला है वो सऊदी प्रो लीग का SPL का होने वाला है, वो है अल इतिहाद। ALITIHAD प्रोनाउंसिएशन देख लेना, अल इतिहाद यहां पर करीम बेंजिमा का नया क्लब होने वाला है। 2 साल की डील अभी हाल फिलहाल की रखी गई है और 1 साल और एक्सटेंड हो भी सकता है, वो करीम बेंजिमा के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पर वही बताया जा रहा है कि 2 साल की डील है और 1 साल एक्सटेंडेड डील भी हो सकती है। और ये डील का जो अमाउंट है ना, ये सुन के आप सब ऑब्वियसली शॉक हो ही जाओगे, भाई दुबई में कितना पैसा है इससे समझ आता है। पर अब करीम बेंजिमा को मिल रहे हैं 200 मिलियन यूरो। ये 200 मिलियन यूरोस को ना मैं इंडियन करेंसी में अगर कन्वर्ट करूँ ये होता है 1765358 1470। कितना बड़ा अमाउंट है ये, इसको शॉर्ट में बताऊं तो 1765 करोड़ रुपीज़ का ये यहाँ पर अमाउंट होने वाला है। 1765 करोड़ 1765 करोड़ रुपीज़ पर साल की डील रहने वाली है करीम बेंजिमा की। अल इतिहाद में वो जा चुके हैं सऊदी प्रो लीग में, अब वो भी हिस्सा होने वाले हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद। अब क्या लगता है, क्या लियोनेल मेस्सी भी यहाँ पर सऊदी प्रो लीग में आने वाले हैं? क्या लियोनेल मेस्सी भी यहाँ पर अब PSG के बाद FC बार्सिलोना जाएंगे या फिर SPL में आने वाले हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन करीम बेंजिमा की तरफ से ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। 2 साल की डील अभी तो हाल फिलहाल यहाँ पर निकल कर आ रही है। रियल मैड्रिड को इन्होंने टाटा बाय बाय बोल दिया है। अल इतिहाद इज द न्यू होम ऑफ करीम बेंजिमा। अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना और मेरे को इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि आप अगर फुटबॉल पे न्यूज़ जानना चाहते हो और अगर मैं फुटबॉल पे और वीडियोस बनाऊं तो मेरे को बताना जरूर। मतलब आई डोंट नो कैसा क्या रिस्पांस होने वाला है, लेकिन एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी यार ये। 1765 करोड़ रुपीज़ पर ईयर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब क्योंकि मैं काफ़ी समय से क्रिकेट कवर करते हुए आ रहा हूँ, क्रिकेट में इतना पैसा नहीं है बट फुटबॉल में ऑब्वियसली बहुत बहुत ज़्यादा पैसा है। 200 मिलियन यूरोज़ की ये डील हुई है। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके लाइक करके बताना जरूर। मैं हूं अर्चित जैन, मिलूंगा आपसे अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड सब्सक्राइब टू स्पोर्ट्स ओपिनियन। बाय बाय।